आशा गुप्ता जी और आप देख रहे हैं आईबीएन भारत। विश्व के सबसे बड़ी बोर्ड परीक्षा के नतीजे आज घोषित हो गए हैं। यूपी बोर्ड हाई स्कूल और इंटरमीडिएट का रिजल्ट आज यूपी के उप मुख्यमंत्री दिनेश शर्मा ने जारी किया है। uprizult.nic.in और upmsresults.up.nic.in पर जारी किया गया है। आपको बता दें कि 10वीं में 83.31% और 12वीं में 74.63% स्टूडेंट्स पास हुए हैं। हाई स्कूल में बड़क बागपत की रिया जैन ने 96.67% मार्क्स के साथ टॉप किया है, जबकि इंटरमीडिएट में बड़क बागपत के अनुराग मलिक ने 97% मार्क्स के साथ टॉप किया है। 10वीं और 12वीं के टॉपर एक ही स्कूल से हैं। वहीं इस वर्ष 10वीं और 12वीं दोनों का रिजल्ट पिछले साल से अच्छा रहा है। आपको बता दें कि 10वीं में पहले स्थान पर बड़ौद बागपत की रिया जैन ने 96.67% मार्क्स के साथ टॉप किया है और दूसरे नंबर पर अभिमन्यु वर्मा 95.83% रहे, जो कि बाराबंकी के रहने वाले हैं। वहीं तीसरे नंबर पर योगेश प्रताप सिंह ने 95.33% अंकों के साथ बाजी मारी है, जो कि बाराबंकी के रहने वाले हैं। इसके साथ ही 12वीं की टॉपर्स की बात करें तो इंटरमीडिएट में बड़ौद बागपत के अनुराग मलिक ने 97% मार्क्स के साथ टॉप किया है। दूसरे स्थान पर प्रांजल सिंह ने 96% अंक लाए हैं, जो कि प्रयागराज से हैं। और तीसरे स्थान पर उत्कर्ष शुक्ला रहे, जो कि 94.80 औरैया जिले के रहने वाले हैं। ऐसे ही खबरों के लिए बने रहिए हमारे चैनल आईबीएन भारत के साथ। नमस्कार।